नंबर 21 टू 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज टेकन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक टू ए डीप ऑफ 200 मीटर इनसाइड द लेक व्हाट विल बी द चेंज इन इट फॉलो इन द बल्क मॉडुलस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वाटर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वाटर इज 22,000 एटमॉस्फेयर density of water in this atmospheric pressure is equal to 10^5 newton meter minus 2 g is equal to 10 meter second minus 2 h is here तो देखिए इसमें ये आप पर लिख रहे हैं है ना लेस सरफेस पर कोई बबल है एयर बबल मान लेते हैं जिसका वॉल्यूम कितना है ना 1 मीटर क्यूब है इसका वॉल्यूम कितना का जाना 1 मीटर क्यूब जैसे इतना नीचे ले जाएगा तो प्रेशर कमान बढ़ेगा ठीक है यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर है सरफेस पर है कितना प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर है जब इस लेक के अंदर जाएगा तब फिर एक लेक वाटर के इसमें प्रेशर बढ़ेगा एच रो जी बराबर क्या होगा प्रेशर इस पर अप्लाई होगा ना जब इसे प्रेशर अप्लाई होगा तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा कम हो जाएगा यहाँ पर प्रेशर कितना है पी यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पर प्रेशर कितना है यहाँ जो प्रेशर है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर टू टू लिक्विड का प्रेशर टू टू लिक्विड का है ना ठीक है तो देखिए अप्लाइड प्रेशर कितना होगा बोले अप्लाइड प्रेशर आपका जो होगा एच रो जी हो जाएगा क्योंकि पी ए तो ऑलरेडी है इस पर इधर देखो इस पर अप्लाइड प्रेशर मान पिए है इस पर एडवांस प्रेशर पिए है इसको आप एस डेप्थ नीचे ले जा रहे हैं तो ये जरूर जी के बराबर प्रेशर इस पर बढ़ जाएगा ये जरूर जी के बराबर प्रेशर क्या होगा बढ़ जाएगा ना ठीक है तो ये अप्लाइड प्रेशर हो जाएगा चेंज इन प्रेशर कितना हुआ ये जरूर जी ना और अप्लाइड प्रेशर क्या होता है नॉर्मल स्ट्रेस होता है क्या होता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस है तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस के बारे में क्या हो जाएगी हाइड्रोलिक स्ट्रेस की वैल्यू जो है पी की वैल्यू हो जाएगी हाइड्रोलिक स्ट्रेस की वैल्यू कितना एच रो जी आपको क्या हो जाएगा ये हाइड्रोलिक स्ट्रेस हो जाएगा अप्लाइड प्रेशर एच रो जी होगा क्योंकि पी एट ऑलरेडी आई है जो आपने अप्लाई किया एच रो जी अप्लाई किया ठीक है और वॉल्यूम कितना हो जाएगा एच ए आपको निकालना है व्हाट विल बी द चेंज इन वॉल्यूम डेटा भी आपको फाइंड करना है ठीक है और इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया 1 मीटर क्यूब किया है ना ठीक है तो चलिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या दिया बल्क मॉडुलस की वैल्यू करें 22,000 एटमॉस्फेयर ठीक है तो 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू कितना है 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू 10^5 कितना है 10^5 तो 22,000 एटमॉस्फेयर की वैल्यू क्या जाएगी ये हो जाएगा 22 × 10^8 न्यूटन मीटर माइनस टू हो गया है ना अब चलिए बल्क मॉडुलस के लिए क्वेश्चन निकालें बल्क मॉडुलस के लिए क्वेश्चन लिखिए बल्क मॉडुलस का इक्वेशन क्या होता है इस क्वेश्चन पर बल्क मॉडुलस कितना टाइम लगे भाई बस वायरलेस के लिए क्वेश्चन बताओ
हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपन वाल्व में चेंज फॉर्मूला प्रेशर वाल्व और चेंज इन वाल्व के टर्म में बताइए। नहीं मिला एम एम माइनस वन एल डी माइनस वन रिपीट नहीं लेना है। यहाँ से डेल्टा बी कितना हो जाएगा, डेल्टा बी छोड़ देगा पी बी अपान बी हो जाएगा। अब इसमें हम माइनस है नेगेटिव साइन इंडिकेट एट वॉल्यूम रिड्यूसेस ऑन अप्लाई प्रेशर, ठीक है। तो चलिए अब इसे केवल मैग्नीट्यूड हम दे रहे हैं, तो डेल्टा बी छोड़ देगा पी बी अपान बी। अब इसे वैल्यू रख दीजिए, पी की वैल्यू कितना है 22 × 10⁸, बी की वैल्यू कितना है, बी की वैल्यू 1, बी की वैल्यू हमारा 22 नहीं, बी की वैल्यू एच रोटी, बी की वैल्यू कितना है एच रोटी। यहाँ देखिए एच रोजी बी अपॉन बी, तो एच की वैल्यू कितना होते हैं, एच की वैल्यू 200, ठीक है। रो की वैल्यू कितना है 10⁴, जी की वैल्यू 10 और इनिशियल वैल्यू 1 अपॉन बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस कितना 22 × 10⁸, ये बल्क मॉडुलस। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 upon 22 × 10⁴ प्लस 2 + 1 माइनस 8 जाएगा 1 upon 11 6 माइनस 2 माइनस 2 हो जाएगा। 1 को लेवल से डिवाइड कर दीजिए तो 1 को लेवल से डिवाइड करिए, चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा 0.009 मीटर को 10⁻³ सॉरी 10⁻²। यह ऐसे इसको ले सकते हैं डेल्टा बी इक्वल टू, डेल्टा बी इक्वल टू ले सकते हैं 9.0909 इंटू 10⁻⁴ मीटर क्यूब, भी आंसर होगा, ठीक है। देखिए क्या है,
9.1 into 10 raised to power 4 meter cube. हाँ चलिका भी करें, right?